भाई स्पीड है 40 की, पता ही देखना। सो फाइनली फाइनली गाइज हम पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। सो हे फैमिली, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम आ गए एक और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो हम रूम से निकल चुके हैं। इस टाइम रात सुबह के लगभग 9 बज रहे और हमारा आज का प्लान बना है यहाँ से जाने का। फिलहाल तो हम मनाली तक जाएंगे, बाकी देखते आगे कहाँ का बनता है। बाकी आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बाकी आप बने रहिएगा व्लॉग में। दोस्तों आज हम आपको फुली इंजॉय कराएंगे आज के इस व्लॉग में। तो आप देख ही सकते हो मेरे साथ शिवांग दादा है, बाकी हमारे दो भाई आगे निकल चुके हैं और हमने बाइकें थोड़ा यहाँ से दूर पार करी है। तो बाकी दोस्तों स्टे ट्यून्ड, बाकी मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। हम पहुँच चुके हैं अपने चीते के पास और आप देख ही सकते हो पीछे हमारे चीते लगे हुए हैं। तो बाकी दोस्तों अब निकलेंगे हम कुछ देर में यहाँ से केलोंग वैली, केला खाते खाते। तो बाकी मिलते हैं आपसे दोस्तों ब्लॉग में आगे, बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस। तो दोस्तों ये व्यू है कुल्लू और मनाली के बीच का, यहाँ हम थोड़ी देर रुके हैं चिल मारने। इस जगह को क्या कहते हैं? जगह को तो दोस्तों ये मनाली से 8 किलोमीटर पीछे की जगह है, यहाँ को कलात कहा जाता है। यहाँ पर आप भी जरूर आए, जब आप मनाली आते हो तो यहाँ का नहाने का आनंद जरूर ले। यहाँ पे नहा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किसी इनफील्ड की बाइक।
सो फ्रेंड्स वी हैव फाइनली रीच्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल टनल ऑफ हिमाचल मोस्टली विच इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल। फाइनली दोस्तों हम जा पहुंचे अटल टनल में। आप देख ही सकते हो अटल टनल का पीछे का ऑल ओवर व्यू, और आप देख ही सकते हो दोस्तों पीछे का आसपास का ऑल ओवर व्यू कितना खूबसूरत है। काफ़ी ऊंचाई पर है ये टनल, और यहाँ से अंदर आपको और भी इसके काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। तो बाकी बने रहिएगा दोस्तों आप व्लॉग में, स्टे ट्यून्ड गाइस। भाई स्पीड है 40 की, ताई देखना पहले हम जा पहुंचे हैं जन्नत की वादियों में। अटल टनल को पार करते हुए सीधे 9 किलोमीटर के बाद लाहौल वैली में, और आप देख ही सकते हो लाहौल वैली का ऑल ओवर खूबसूरत व्यू। और मैं इस टाइम टनल को क्रॉस करके लाहौल वैली की साइड आ चुका हूं, और आप देख ही सकते हो पीछे का खूबसूरत हाईवे, और आप देख ही सकते हो आसपास के पहाड़ कितने प्यारे। और अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे का ऑल ओवर व्यू, देख ही सकते हो दोस्तों चारों तरफ कैसे बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लाहौल वैली है बहुत टॉप में है, यहाँ पर पूरे 12 महीने आपको बर्फ देखने को मिलेगा दोस्तों। और मैं आपको अटल टनल की खासियत बताना चाहूँगा, ये लगभग 9 किलोमीटर की टनल है पूरे इस पर्वत को चीरते हुए, पर्वत की पीछे वाली श्रृंखला से इस साइड को निकली हुई है। तो बाकी दोस्तों इस टाइम हम फिलहाल यहाँ पर रुके थे आपको ऑल ओवर व्यू बताने, फोटोशूट वगैरह हमने कर लिए, और बाइक हमने उधर उस पुल के पार वाली साइड पार करी हुई है। तो बाकी दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे आगे, और अब आगे देखते हैं कहाँ रुकने का प्लान बनता है, नाइट को हम केलोंग में स्टे करेंगे। तो बाकी दोस्तों आप बने रहिएगा व्लॉग में, बाकी आज आगे भी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है। तो बाकी स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलेंगे आपसे व्लॉग में कुछ ही देरी में। वाओ सो ब्यूटीफुल स्प्रिंग। तो दोस्तों इस टाइम रुके हम केलोंग से 30 किलोमीटर पीछे कुछ खाने, और आप देख ही सकते हो आसपास का बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो दोस्तों आपको इससे सामने वाली बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी में खेत नज़र आ ही रहे होंगे, मैं आपको जूम करके बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो लाहौल वैली का सबसे खूबसूरत गाँव। तो दोस्तों बाकी आपको पता ही है लाहौल वैली में सबसे ज़्यादा बर्फबारी पड़ती है, इसलिए यहाँ के छतों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इन छतों पर बर्फ़ ना टिक पाए। तो दोस्तों मेरे से RC इंश्योरेंस और लाइसेंस मांगा गया, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे इसलिए मैं बच गया। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा आप कहीं भी घर से बाहर राइड करने जाते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं। तो दोस्तों फाइनली हम एंटर हो चुके हैं इस प्यारे से बर्फ़ से ढके हुए शहर केलोंग में।
सो फाइनली फाइनली गाइज हम पहुंच चुके अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, और आप देख ही सकते हो के लॉन्ग वैली का बहुत ही खूबसूरत नजारा। और ये पीछे को हमारा रूम है दोस्तों, यहीं साथ में रोड के सामने आप देख ही सकते हो आसपास का ऑल ओवर खूबसूरत व्यू। और आप देख ही सकते हो दोस्तों चारों तरफ मतलब बर्फ से पहाड़ियां कैसी ढकी हुई है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। नीचे देख मेरी बाइक की पिछली सीट पे शोर का कमाल काफी अच्छा फील हो रहा है दोस्तों आज यहाँ पर आके बहुत हाइट में आज रास्ते में काफी एडवेंचर वाली फीलिंग आई हम सबको। नीचे देख सकते हैं और ये हमारे भाईजान, हमारे बड़े भाई, और हम और ये पीछे के हमारे भाई लोग जो कि काफी एंजॉय कर रहे इस टाइम यहाँ पे केलोंग वैली में। तो भाई लोगों कैसी लगी आपको केलोंग वैली? मेरी बैक सीट पे कर जूम नीचे। फर्स्ट एक्सपीरियंस बताइए अपना केलोंग वैली का। बाद में बताऊंगा, पहले नीचे जूम कर मेरी बात बताऊंगा। मेरी बाइक की बैक सीट देंगे यहाँ पे। अरे नीचे कर जूम। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, पीछे का अपना रूम है, बाकी आपको आसपास का ऑल ओवर व्यू बताते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है केलोंग की वादियों का ऑल ओवर खूबसूरत व्यू। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर 12 महीने आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर कभी भी बर्फ़ नहीं पिघलती है। और कुछ इस तरह का है केलोंग के ऑल ओवर मिनी मार्केट का व्यू, छोटा सा मार्केट है बट बहुत प्यारा मार्केट है। और यहाँ पर हमने अपनी बाइक्स पार्क कर दी है। और दोस्तों ये है केलोंग का हनुमान जी का मंदिर। और दोस्तों यहाँ मिनी सिटी केलोंग में आपको बौद्ध की मूर्ति भी देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही प्यारी नज़र आ रही है, आप देख ही सकते हो। और दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा रूम से बाहर का ऑल ओवर नाइट व्यू। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है नाइट व्यू ऑल ओवर रूम से। और इस टाइम सामने के पर्वत जो है नज़र नहीं आ रहे हैं अंधेरे के कारण। और यह है केलोंग का हाईवे, और यह है छोटा सा प्यारा सा शहर केलोंग। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो फाइनली आज हम ठहरे हैं केलोंग में। आज का व्लॉग हमने सुबह कुल्लू से शुरू किया था, जिसमें हम सबसे पहले मनाली, उसके बाद आपको अटल टनल, उसके बाद शाम सिसू होके हम आए थे। तो आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। वैसे जो हमारा ये आज का व्लॉग था, ये प्लान नहीं था पहले से, तो इस पे जो भी हैपन हुआ है वो सब इमीडिएट रिएक्शन था। फाइनली गाइज हम आज ठहरे हैं केलोंग के बहुत ही खूबसूरत होटल में, और इस टाइम रात के लगभग 10 बज रहे हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया था, बस अब सोने की तैयारी है। थक भी काफी चुके आज इतने लंबे सफर में। एक मिनट भाई, आज हम कुल्लू से निकले हैं नॉन स्टॉप। कुल्लू से यहाँ तक का सफर हमारा लगभग 115-120 किलोमीटर का रहा है। तो बाकी दोस्तों आई होप आपने हमारा ये आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया होगा। तो अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसे अपने ज्यादा दोस्तों का शेयर करें। और जो बंदा चैनल में पहली बार आया वो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बाकी ये है कुछ इस तरह का हमारा ऑल ओवर रूम का व्यू, और ये हमारे भाई लोग। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग एक न्यू व्लॉग, और एक न्यू और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तो बाकी बने रहिएगा आप दोस्तों हमारे साथ, कल आपको और भी ज़्यादा इसे एडवेंचर फीलिंग देखने को मिलेगी। तो बाकी स्टे ट्यून्ड गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टाटा एंड टेक केयर दोस्तों।